साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद भारत में होने वाले चुनाव में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि बैलेट पेपर व ईवीएम में बदलाव लाते हुए नोटा का विकल्प शामिल किया जाए। इस एक आदेश के साथ लोगों को चुनाव में वोटिंग के दौरान नोटा का विकल्प भी मिलने लगा। इससे उन लोगों को सुविधा हुई जो अपने मताधिकार का उपयोग तो करना चाहते हैं लेकिन किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं देना चाहती। नोटा बटन का प्रावधान पहली बार छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच न्यू चुनाव में कितनी बार नोटा का इस्तेमाल किया गया है इसके आंकड़े पर नजर रखते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब तक नोटा का करीब 1.33 करोड़ बार इस्तेमाल किया जा चुका है। राज्य विधानसभा चुनाव में इस विकल्प का औसतन 2.70 लाख बार उपयोग किया गया। गोवा के वालपोई और पणजी साल 2017 में हुए उपचुनाव में लोगों ने बड़ी संख्या में नोटा के ऑप्शन को चुना। दोनों स्थानों पर तीसरा सबसे अधिक वोट नोटा पर ही दिया गया था। गोवा चुनाव में पणजी और वालपोई निर्वाचन क्षेत्रों में नोटा वोट 3,11,094% और 45,81,099% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।